गिरेंगे हम पक्का बता रहे हैं किसी दिन, समझ में आ गया ना। देखो और चार पांच वायर, कहा तक हुआ था ये होमवर्क था ना? ठीक। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि क्या बोल, इसमें क्या करेंगे, नियरेस्ट मतलब लोकेंट रूल जो है वो हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, लोकेंट रूल करके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। तो यदि इसका हम लोग देखेंगे तो लोकेंट रूल क्या चला जाएगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, क्या करेंगे नंबरिंग, क्या करेंगे किधर से, ये जाएगा ना 1 2 3 4 5 6, यही जाएगा। इसका क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसका क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लोएस्ट मिले सबको डबल बॉन्ड, और वो भी इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा 8। ठीक है, इसका क्या होगा, किधर से होगा 1 2 3 4 5, यही होगा ना, उससे कम तो कुछ हो नहीं सकता है। डबल बॉन्ड को सबसे पहले पकड़ के चलना है, फिर आफ्टर कौन सा हो जाएगा साइड चेन। ठीक है, और फिर बाद में हम लोग क्या देखते हैं, प्रीफिक्स रूल नंबरिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा 3-methyl, हाँ 3-methyl, ठीक है, साइक्लो हेक्स 1-ENA या साइक्लो हेक्सेन भी लिख सकते हैं। इसका क्या होगा, हाँ साइक्लो डेका, डेक नहीं होगा डेका। ठीक है, उसके बाद क्या होगा डैश डैश 1,3 डैश DIENE, इसका क्या होगा 1,2 डाइमिथाइल, ठीक है डैश बोलो, हाँ सॉरी मिथाइल साइक्लो होगा ना, साइक्लो हेक्सीन 1 पे है इसलिए नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, इसका क्या हो जाएगा साइक्लोडेका डैश 1,4 डैश DIENE। ठीक है, इसका क्या होगा बोलो, साइक्लोक्टा डैश 1,3,5,7 टेट्रा इन। ठीक है, इसका क्या होगा 5,5 डाई क्लोरो, ठीक है डैश नहीं क्लोरो साइक्लो पेंटा, ठीक है डैश 1,3 डाई इन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक, देख लो और एक क्वेश्चन दिए थे, हाउ मेनी डाई मिथाइल साइक्लो अल्किन सॉरी साइक्लोइन साइक्लोहेक्सीन आर पॉसिबल, दिए थे ना, यानी कि डाई वाला ये वाला देखो है ना, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन है ना, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो इस तरीके से ये है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो 1,3 1,4 ऐसे करके कितना तुमको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल सकता है, पॉसिबल कितने थे, तो क्या आंसर आया था बताओ, ये हो गया मिटा दे। ठीक है, अब देखो इसमें आंसर क्या आया तुम्हारा, 10 आया है। ठीक है, कौन कौन सा बनेगा, एक तो बनेगा 1,1-dimethyl, ठीक है वन वन कैसे बना सकते हैं, यही बनेगा ना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 1,2, तो 1,2 के लिए क्या करेंगे, ये आया 1,1, तो 1,1 तो
वन वन ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा वन, क्योंकि नंबरिंग हम उसको लेंगे क्या? नहीं, नंबरिंग तो मेरा ये हो जाएगा, तो वो चला जाएगा थ्री। ठीक है, वो क्या चला जाएगा? थ्री। वन कॉमा टू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि ये मेरा हो जाएगा ये ऐसा वन कॉमा टू। ठीक है, उसके बाद वन कॉमा थ्री, वन कॉमा थ्री, ठीक है, वन कॉमा फोर, वन कॉमा फोर, ठीक है, वन कॉमा फाइव, वन कॉमा फाइव, वन कॉमा सिक्स। देखो जी ये होगा, ठीक है, कितना बन गया? ये पांच बने। अब आ जाओ थ्री कॉमा थ्री, ये बनता है, ये हो गया वन टू थ्री, यानी ये थ्री कॉमा फोर, थ्री कॉमा फोर कौन सा होगा? वन टू थ्री, ठीक है, थ्री कॉमा फोर। अगला कौन सा होगा? थ्री कॉमा फोर हो गया, थ्री कॉमा फाइव, यानी कि ये बनेगा थ्री कॉमा फाइव, ये बनता है। उसके बाद तुम्हारा बनता है फोर कॉमा फोर, वन टू थ्री फोर, फोर कॉमा फोर। उसके बाद बनता है फोर कॉमा फाइव, फोर कॉमा फाइव, और बाकी कुछ करोगे तो सब कॉमन बनेगा। दस हुए, ठीक है, नाम क्या होगा बताओ, क्या क्या लिखेंगे? हाँ ये वाला, ये दोनों, ये दोनों, ये नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन कॉमा सिक्स है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये सही है, ये तुम्हारा क्या बन गया एक्चुअली? वन कॉमा टू कॉमा थ्री। नहीं, इधर से करेंगे ना, इधर यहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और ब्रांच भी मिल रहा है। यहां से जाएंगे तो केवल डबल बॉन्ड मिलेगा पहले कार्बन पे, और यहां पे पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ ब्रांच। 1.6 वाला है ना? हाँ 1.6, ठीक है, एकदम करेक्ट है। हम क्या बोले थे कि डबल बॉन्ड भी मिले पहले जितना जल्दी, और ब्रांच भी मिले पहले, तो पहले किधर से मिल रहा, समझ में आया? इसीलिए तो इसका नाम क्या होगा बताओ? नंबरिंग होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नाम क्या होगा? वन कॉमा टू डाइमिथाइल और साइक्लोहेक्सीन होगा क्या? अब इतना को हम कॉमन मान के चलते हैं, ए ए मान ले, अब बार बार हम लिखेंगे नहीं, लेकिन तुमको लिखना है, ठीक है। इसका क्या होगा? वन टू थ्री क्या लिखेंगे? वन कॉमा थ्री डाइमिथाइल, ठीक है, और ए, ये क्या हो जाएगा? वन टू थ्री फोर होगा, तो क्या इसका लिखेंगे? वन कॉमा फोर ये होगा डाइमिथाइल, ठीक है। इसका क्या होगा तुम्हारा? वन टू थ्री फोर फाइव। अब ऐसे मत जाना, नहीं तो यहां मिथाइल नहीं मिलेगा, समझे? तो फिर वहां केवल डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन ऐसे जाएंगे तो डबल बॉन्ड के साथ एक मिथाइल भी मिल रहा है, तो इसका क्या होगा? 1.5 डाइमिथाइल, ठीक। इसका साइक्लोहेक्सीन लगा लेना जी, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन लगाना। इसका क्या होगा? 1.6 डाइमिथाइल, ठीक है। इसका क्या होगा बोलो? ऐसे होगा पक्का? ये गलत हो जाएगा ना, ये होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री कॉमा थ्री होगा, ठीक है, थ्री कॉमा थ्री डाइमिथाइल। ये क्या होगा? वन टू थ्री फोर, ऐसे होगा ना, तो होगा थ्री कॉमा फोर डाइमिथाइल। ये क्या होगा? वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री कॉमा फाइव डाइमिथाइल। ये क्या होगा? वन टू थ्री फोर, क्या बन जाएगा बोलो? फोर कॉमा फोर डाइमिथाइल। ये क्या होगा?
वन टू थ्री फोर फाइव, 4.5 डाइमिथाइल, तो इतना मिलता है। टोटल कितने डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन मिले? 10, ठीक है, टोटल 10 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन मिल रहे हैं। ठीक है, लिख लिए सारे लोग? हुआ क्या मिटाएं? जल्दी लिखो। नहीं तो फिर ये डबल बॉन्ड हम थोड़ी ले सकेंगे, डबल बॉन्ड को तो काउंट करेंगे 1 2, ऐसे होगा ना, ये ऐसे जाएंगे तो फिर डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं। चलो हो गया, क्या क्या आएगा? 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। ठीक है, 1 6 तो यहीं तक हो गया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 5 हो गए। उसके बाद जाओ 3 3 3 4 3 5, ठीक है, क्या क्या आएगा? 3 3 3 4 3 5, और उसके बाद 4 4 4 5 ये आएगा। ठीक है, टोटल 10 ये आने वाले हैं। अब हेडिंग डालो IUPAC प्रीफिक्सेस फॉर साइड चेन विथ मल्टीपल बॉन्ड्स। IUPAC प्रीफिक्सेस फॉर साइड चेन विथ मल्टीपल बॉन्ड्स, साइड चेन विथ मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब साइड चेन आ जाए तब क्या करेंगे? बात समझे? अभी तक साइड चेन ज्यादा हम लोग कॉम्प्लेक्स का देखें, और जो भी साइड चेन देखे वो क्या था? सिंगल बॉन्ड का था। अब हम क्या बोल रहे हैं कि साइड चेन जो है वो क्या आ जाए? मल्टीपल बॉन्ड में, यानी कि डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? बात समझ में आया? तब यहां पे ध्यान में रखना कि अल्कीन में से, अल्कीन में से, अल्कीन है ना, अल्कीन में से एक हाइड्रोजन यदि हटा दोगे तो बनेगा अल्किनाइल। क्या बनेगा? अल्किनाइल। ध्यान रखो, अल्किन में से ई, अल्किन में से हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बनता था? अल्काइल। अल्काइल क्या? AlkYl तुम्हारा हो जाता था। ठीक है, अब ध्यान से, अल्किन है ना, इसका ई हटा के YL लगाए हैं, ई हटा के क्या लगाए हैं? YL लगाए हैं, क्या बन गया है? अल्किनाइल। वही बना है ना, क्या बना है? अल्किनाइल तुम्हारा। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और डैश। समझ में आया? अब इसका नाम था तुम्हारा, बोलो, इथीन था क्या, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनाइल। समझ में आया? नाम क्या होगा, इथेनाइल। क्लियर है ना? देख लो जरा सा यहाँ पे। अब उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे कर दें CH2 डबल बॉन्ड CH और ये रहेगा तुम्हारा CH3, इसका नाम क्या है, प्रोपीन, है ना। अब यहाँ हाइड्रोजन हम तीन जगह से निकाल सकते हैं, एक तो यहां से निकाल सकते हैं, एक तो यहां से निकाल सकते हैं और एक तो यहां से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तीनों जगह से निकालेंगे, ठीक है, तीनों जगह से निकालेंगे। अब जहां से निकलेगा तुमको समझ में आ जाएगा कि कहां से निकाला गया है, ठीक है। अब हाइड्रोजन मान लेते हैं माइनस एच कर रहे हैं, माइनस एच कर रहे हैं और माइनस एच कर रहे हैं, ठीक है। नाम क्या बनेगा, किस फॉर्मेट में बनेगा, अल्किनाइल। किस फॉर्मेट में बनेगा, अल्किनाइल। क्लियर है? अब जैसे कि हाइड्रोजन हम निकाल दे कहां से, हाइड्रोजन जैसे कि हम निकाल दे यहां से इस वाले पोजीशन पे, सबसे पहले यहां से नंबरिंग मान लो करते हैं 1 2 3 ऐसे करके, तो कहां से हाइड्रोजन हम निकालते हैं, पहला वाला, यहां किसमें निकालेंगे, दूसरा, और यहां कहां से निकालेंगे, तीसरा। इज दैट क्लियर? तो पहला वाले से निकालेंगे तो क्या बनेगा, डैश CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो याद है बताए थे कि पेरेंट चेन से अब ये जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे पेरेंट चेन से, तो नंबरिंग हमेशा इसी का वन होगा, जो पेरेंट चेन से जुड़ा रहेगा नंबरिंग ब्रांच वाले में उसका पहला होगा। तो ये वन होगा, ये टू होगा, ठीक है, और ये वाला क्या होगा तुम्हारा, थ्री। नाम क्या होगा इसका, नाम क्या था, प्रोपीन था। इस बार इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनाइल, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीनाइल। समझ में आया तुम्हारा? उसके बाद यदि हम लोग हाइड्रोजन निकाल दिया और बगल से, ठीक है, यानी कि मिडिल वाला से निकालेंगे दूसरे हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा, CH2, ये रहेगा डबल बॉन्ड C और ये रहेगा, खाली हो गया, ये खाली हो गया ना, ये जॉइंट रहेगा तुम्हारा और बगल में क्या रहेगा, CH3, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। क्लियर है? अब बताओ नंबरिंग किसको बन देंगे, इस वाले को ना, अच्छा, और टू किसको देंगे, यस, इसको, यानी कि ये मेरा पेरेंट कार्बन चेन हो गया क्या एक तरह से, और पहला पे क्या हो गया, मिथाइल। इज दैट क्लियर? पहले पे मेरा क्या हो गया, मिथाइल, देन इट्स नेम इज क्या हो जाएगा, 1-methyl, और दो कार्बन का क्या बना, बोलो, इथेनाइल। इज दैट क्लियर? इसका नाम ये हो जाएगा। अब तीसरे वाले से यदि हम हटाएंगे तो फिर मेरा क्या बन जाएगा, जरा देखो, ये बनेगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। अब बताओ नंबरिंग पहले किसको देंगे, 1 को देंगे, ये होगा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। नाम क्या लिखेंगे इसका, बोलो, तीन कार्बन का प्रोपेनाइल होता है, लेकिन डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है तुम्हारा, बोलो, दूसरे पे आ रहा है, तो लिखेंगे प्रोप डैश 2। इन होता है ना, इनलाइल लिखते हैं ना, ENYL, प्रोपीन लिखते थे, लेकिन यहां तो YL वाला सिस्टम आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, Prop-2-enyl, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक। उसी प्रकार से अब देखो, जैसे कि ये और थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, जैसे कि ये तुम्हारा आ जाता है, कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश, ठीक है, आरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और ये CL डैश, और ये हम क्या केवल पेरेंट ये साइड वाले का लिख रहे हैं, ब्रांचिंग वाले का, ठीक है, पूरा अभी कोई IUPAC नहीं दे रहे हैं तुमको। उसी प्रकार से यदि ऐसा आ जाए तो क्या लिखेंगे, ठीक है, यदि आ जाए CH3 तब क्या लिखेंगे, यदि आ जाए तुम्हारा तब क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो जी, चलो बताओ इसका तुम्हारा किधर से होगा नंबरिंग, ये होगा ना यहां से, क्योंकि जिधर से ये पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है PC है ये, तो ये 1 2 3 4, बोलो क्या होगा, चार कार्बन का होगा, ब्यूट होगा, और डैश कितना पे, 2-ENYL, ठीक है, क्लियर है। इसका बताओ क्या होगा, ये 1 2
थ्री क्या होगा? थ्री वन क्लोरो होगा क्या? वन क्लोरो, उसके बाद क्या होगा? तीन कार्बन का क्या होगा? प्रोप डैश टू ई एन वाई एल, सही है। उसके बाद इसका बताओ क्या होगा, नंबरिंग कौन होगा? वन टू थ्री, किधर से भी करो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? साइक्लो प्रोपीनाइल आ रहा है क्या? ऐसे क्या होता है साइक्लोप्रोपीन? अब केवल ये है तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीनाइल, डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, यदि कुछ नहीं रहता सिंगल बॉन्ड रहता तो क्या होता? साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल इथाइल ब्यूटाइल ये लिखते हैं ना। अब ई एन वाई एल लग गया तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपीनाइल, ठीक है। इसका बताओ नंबरिंग किधर से करें? ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, यही होगा ना? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरे पे तुम्हारा क्या हो गया? मिथाइल, तो क्या लिखेंगे? थ्री मिथाइल, और उसके बाद क्या लिखेंगे? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूट, सॉरी ब्यूटेन नहीं, साइक्लोब्यूट डैश वन डैश ई एन वाई एल, ठीक है। उसके बाद इसका बताओ नंबरिंग किधर से? वन टू थ्री फोर, डबल बॉन्ड की तरफ जाना है, ये आ गया चौथे पे, तो क्या लिखेंगे? फोर मिथाइल, ठीक है। साइक्लो ब्यूट डैश टू ई एन वाई एल, बोलो सही है, समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? हाँ, ये वाला हाँ, इसमें थोड़ा सॉरी इसमें नंबरिंग देना रह गया, इसको करो प्रोप डैश, ठीक है, टू ई एन वाई एल, ठीक है। इधर मिटा दे, मिटाए नहीं, इस साइड मिटा दे, अब देखो अल्कीन का हुआ, उसी प्रकार से अल्काइन से एक हाइड्रोजन हटाओगे ना तो क्या बनेगा? अल्काइनाइल, ये बनेगा अल्किनाइल। तो इसका देखो वाई एन ई होता है ना, तो वाई एन ई का ई को हटा के वाई एल लगा दिए, जैसे अल्किनाइल का किए थे अल्किन का ए एल के क्या होता है? ई एन ई, तो ई को हटा के वाई एल लगाए थे, अल्काइन का ई को हटा के वाई एल लगाए, ठीक है। यानी कि यदि ये रहेगा एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और यहां से यदि हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा? एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी और डैश, और ये क्या होता है? इथाइन होता है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ई टी एच वाई एन और वाई एल, इथाइनाइल, ठीक है। ई हटा के वाई एल लगाए बस और कुछ नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम इधर दे दें सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो यहां से कितने जगह से हाइड्रोजन निकल सकता है बोलो? नंबरिंग यदि करे तो वन टू थ्री, दो जगह से निकल सकता है, बीच से तो नहीं निकालोगे, है ही नहीं तो निकलेगा कहां से? तो ये हम मान लेते हैं हाइड्रोजन हटा रहे हैं पहला वाला, और ये हाइड्रोजन हटा रहे हैं दूसरा वाला, तो नाम क्या होगा? यदि पहला वाला हटा रहे हैं तो कैसे होगा? सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी और डैश, तो नंबरिंग किसको देंगे? ये होगा वन, ये होगा टू, और ये वाला क्या हो जाएगा? थ्री होगा ना, लॉन्गेस्ट चेन। नाम बताओ क्या होगा इसका? प्रोपाइनाइल होगा ना, नाम क्या होगा इसका? प्रोपाइनाइल, और वन नहीं देंगे क्योंकि पहले पे ही है तो देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ दूसरे हाइड्रोजन को यदि हटाते हैं तो क्या बन जाएगा? ये डैश सी एच टू सिंगल बॉन्ड, ये सी ट्रिपल बॉन्ड क्या बनेगा? सी एच। नंबरिंग किधर से देंगे? राइट या लेफ्ट? राइट, क्योंकि अटैच किससे? राइट से, तो ये होगा वन, ये होगा टू, ये होगा थ्री। बताओ नाम क्या हो जाएगा? नाम होगा प्रोप डैश टू डैश वाई एन वाई एल, समझ में आया? देख लो,
ये डबल बॉन्ड, ये वाई एन जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखें, राइट द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ, राइट द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं। इधर मिटाए क्या, इधर मिटा सकते हैं। चलो जी, टाइम दे, 2 मिनट बनाओगे, 2 मिनट टाइम दे, खुद से बनाओगे, ट्राई करोगे, करो।
चलो बनाया जाए, बना लिए। हाँ देखो इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा देंगे, पेरेंट चेन कौन सा लेंगे, ये लो ठीक है। नंबरिंग किधर से भी करो, सिमेट्रिकल है, क्लियर। अब ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या है, क्या है ये, इथेनाइल, यही है ना, डबल बॉन्ड वाला है ना, इथेनाइल है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, पांच कार्बन है ना। अच्छा ये तो तुम्हारा किस पे आ गया, ब्रांच आ गया, तो क्या लिखेंगे, 3-ethenyl, ये है ना ठीक है, दो कार्बन का। उसके बाद पांच कार्बन का क्या हो जाएगा, पेंटा, डबल बॉन्ड एक बार से ज्यादा है ठीक है। और उसके बाद कितना पे है ये, -1.4-diene, यही है ना। चलो अब बताओ क्या होगा, इसका नाम क्या होगा दूसरा का, नंबरिंग किधर से करेंगे, 1.2 यही होगा ना। तो पहला पे क्या हो जाएगा बताओ, 1-ethenyl होगा ना, 1-ethenyl। और कितना पे हो जाएगा उसके बाद, साइक्लोहेक्सीन, ये लिखेंगे, 1-EN भी लिख सकते हैं। इसका बताओ नंबरिंग किधर से होगा, 1, 2, 3, 4। और ये क्या है तुम्हारा बताओ, ये क्या है बोलो, प्रोपेनाइल है ना। हाँ तो ये क्या लिखेंगे, 1-propenyl ठीक है, 1-propenyl साइक्लो ब्यूटा -1.3-diene ठीक है। इसका बताओ कौन सा लेंगे, पेरेंट चेन लंबा वाला लेंगे ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट या लेफ्ट, राइट, क्योंकि राइट में डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 5 पे तुम्हारा क्या है, कौन सा नाम क्या है, इथेनाइल है ना, तो लिखेंगे 5-ethenyl। उसके बाद क्या होगा, ऑक्टा डैश 2.5-diene। चलो इसका बताओ क्या होगा, नंबरिंग किधर से देंगे, सही नंबरिंग बताओ, सही नंबरिंग इसका किधर से देंगे, ऊपर से जाएंगे ऐसे या नीचे जाएंगे, ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाओगे तो गड़बड़ होगा, करके देख लो, ऊपर से नीचे भी करके देखो और नीचे से ऊपर भी, सही कौन होगा, 1, 2, 3, 4, 5। यदि तुम ऊपर से नीचे आओगे तो ये 6 पे पड़ेगा, इज दैट क्लियर ठीक है। तो आंसर बताओ क्या होगा, और ये क्या नाम है इसका, प्रोपेनाइल ठीक है, प्रोपाइनाइल ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 5-propynyl ठीक है। और ये क्या होगा, साइक्लो हेक्सा ठीक है, 1-1.3-diene ये हो जाएगा ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर आओगे बताओ पेरेंट कौन सा हो जाएगा, लंबा वाला होगा। और इधर नंबरिंग किधर करेंगे, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये क्या हो जाएगा, इसका भी नंबरिंग करना होगा, तो इसका नंबरिंग कहाँ से, इसको मान लेते हैं 1-2-3-4-5 ये हो जाएगा ना। तो नाम क्या लिखेंगे, दूसरा पे क्या आ रहा है, दूसरा पे आ रहा है साइक्लो है ना, पेंटा डैश 2-, बोलो 4-diene आ रहा है, इनाइल सही है, डाइनाइल आ रहा है ना ठीक है, डाइन नहीं लिख सकते, डाइनाइल ठीक। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, हेक्स 6 कार्बन का हेक्स, और फिर कितना हो गया तुम्हारा, डैश ठीक है, 1-EN-4-YNE ये होगा इसका नाम, देखे क्लियर है ना। अच्छा ये तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स था ना जी, नॉर्मल वाले तो है नहीं, क्या है कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम लोग किसमें देंगे, ब्रैकेट में। तो ये तुम्हारा यहां से लेकर के और यहां तक ब्रैकेट में होगा ठीक।
ठीक है, देख लो। ठीक, अब आगे वाला बताओ, इसका बताओ क्या होगा। ये होगा 1 2 3 4, ये होगा, बोलो, यही होगा ना। हाँ, साइकिल वाले में कार्बन तो ज्यादा है, लेकिन डबल बॉन्ड किस में ज्यादा है? ओपन वाले में। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबरिंग 1-2-3-4-5-6, यही होगा ना। तो इसका क्या लिखेंगे? 2 ब्रैकेट स्टार्ट साइक्लो हेक्स डैश 2-ENYL ब्रैकेट क्लोज, क्या होगा? ब्यूटा डैश 1,3-diene, ये होगा नाम। हो गया है? समझ में आ रहा है ना चीज? और रिवीजन करते रहना घर में, नहीं तो फिर भूल जाओगे। याद रखना, रिवीजन करना जरूरी है। अब समझो जरा सा, अल्केन में से, ठीक है, अब देखना जरा सा, अल्केन में से यदि हम लोग 2 हाइड्रोजन निकालें, और वो 2 हाइड्रोजन किससे निकलना चाहिए? जेमिनल मान जे सेम कार्बन एटम से, उसको क्या कहेंगे? जेमिनल। और विसिनल होता है एडजेसेंट कार्बन एटम, अगल बगल वाला, ठीक है। जेम, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे सेम कार्बन एटम से, तब ये अल्काइली डीन बनता है। क्या बनता है? ये बनता है अल्काइली डीन। अल्काइल पहले बनाते थे, अल्केन में 1 हाइड्रोजन हटाने पे क्या बनता था? अल्काइल, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो इडीन ऐड हो गया, तो क्या पढ़े उसको? अल्काइलिडीन। इज दैट क्लियर? ठीक, अब इसी में से 3 हाइड्रोजन यदि तुम हटा दोगे, कहां से? और जेमिनल को शॉर्ट में जेम भी कहा जाता है, ठीक है, तब ये जो है तुम्हारा बन जाएगा अल्काइलिडाइन। यानी पहले इन लगा 2 हाइड्रोजन हटने से, और फिर वाई एन लगा 3 कार्बन हटने से, यानी एक हो जाएगा अल्काइलिडीन, एक हो जाएगा अल्काइलिडाइन। बात समझ में आया? अब देखो जरा सा एग्जांपल समझो, जैसे कि तुम्हारा ये CH3 और ये CH, बगल में भी 3 होता ना, इसका 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो 2 वैकेंट हो जाएगा ऐसे, क्या समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? ऐसे क्या रहता CH3 CH3, तो 2 हाइड्रोजन हटाए तो क्या बन गया ये? अच्छा छोड़ो, और थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन समझ लो, ये रहेगा CH3, ये रहेगा CH3, क्या है ये? इथेन। और इससे क्या था? हटा दिए 2 हाइड्रोजन माइनस कर दिए, कहां से? जेम से, ठीक है। तो ये क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH ऐसे, समझ में आया? तो नाम क्या हो गया? इथाइलिडीन। समझ में आया? ये बोल रहे थे, क्लियर हुआ? उसी तरीके से यदि हम क्या कर देंगे, इस तरीके से ले लेते हैं CH3 CH2 और ये CH ऐसा, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइलिडीन, ठीक है, प्रोपाइलिडीन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यदि हम लोग ऐसे करते हैं, ये देखना जरा सा, CH3 CH और ये CH3 ये डैश, इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो। अरे इसका किनारे वाले से निकाले थे, तो इस बार बीच वाले से भी तो 2 हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, सॉरी 2 हाइड्रोजन निकालना है ना, एक और। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? Thank you.
आइसोप्रोपाइल है क्या? ध्यान से देखो, यदि हम मिडिल वाले को ऐसे करते हैं तो ये बेसिकली नजर कैसे आता है, देखो तो CH3CH और ये CH3, ये कैसे रहता है? तो ये आइसो ग्रुप हुआ, आइसोप्रोपाइल। एक और हटा दो तो क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइलीडीन। समझ में आया? क्या बन जाएगा ये? आइसोप्रोपाइलीडीन। देख लो, और इसका बहुत जबरदस्त यूज है। और ये सब क्या हो गया? बाइवेलेंट, मतलब दो हाइड्रोजन निकाले हम, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बाइवेलेंट। अभी पहला वाला केस देख रहे हैं, तीन हाइड्रोजन अभी नहीं निकाले। अब तीन हाइड्रोजन निकालेंगे तो बताओ जी क्या नजर आएगा? ऐसा नजर आएगा क्या? मीथेन में से, इसमें से इथेन में से तीन हाइड्रोजन निकालेंगे तो ऐसा नजर आएगा। तो नाम बताओ क्या हो जाएगा? इथाइलीडाइन होगा। क्लियर है ना? अब इसी में से यदि हम ऐसा कर दें, CH3CHC ऐसा, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, कोई मिडिल वाले से भी निकाल के दिखाएगा क्या? नहीं ना, वैसे तो करामात कोई नहीं करेगा ना। चलो ठीक है, फिर आप समझना, जैसे ये तुम्हारा CH4 है, CH4 में से यदि हम दो हाइड्रोजन भी हटाएं और एक बार तीन हाइड्रोजन हटाएं, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH2 और ये ऐसा, इसका नाम क्या होगा? मिथाइलीडीन, ठीक है, ये होगा ना। और इसको मिथाइलीन भी कहा जाता है, ये याद रखना, इसके कॉमन नेम में इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होता है? कॉमन नेम में, मिथाइलीन, इसको मिथाइलीन भी कहा जाता है। बताएंगे अभी मिथाइलीन कहां से आया, ठीक है, मिथाइलीन। और यदि तीन हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा? CH ये बनेगा, और इसका नाम क्या होगा? मिथाइलीडाइन। ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। मिटा ना ये, हो गया। लिखो, आराम से लिखो बेटा, इस साइड का। अब देखना, हम क्या बोले कि ये मिथाइलीन कहां से आया है? कॉमन नेम से आया है। तो ध्यान में रखना कि अल्कीन हैज अ कॉमन नेम एज अल्काइलीन, ठीक है, अल्कीन, अल्कीन हैज अ कॉमन नेम एज अ अल्काइन, अल्काइन, सॉरी अल्की नाइन के, सॉरी
ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये कॉमन नेम होता है किसका, अल्कीन का, ठीक है, अल्कीन का कॉमन नेम है ये, ठीक। अब देखो, तो यदि हम n इज इक्वल टू वन ले, क्या ले ले, n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू थ्री, n इज इक्वल टू फोर, समझ में आया किस तरीके से हम ले रहे हैं, या n इज इक्वल टू थ्री तक, n इज इक्वल टू वन ले तो क्या बनेगा, CH ऐसा बनेगा, यही बनेगा ना, n इज इक्वल टू वन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, कार्बन के लिए तो हाइड्रोजन दो, यही तो बनेगा, इसका नाम फिर बताओ क्या हो जाएगा, नाम क्या हुआ इसका, इस बेसिस पे मिथाइलिन, इसीलिए यहां पे इसको और एक किस नाम से बुलाया गया, मिथाइलिन। अंडरस्टूड, समझ में आया क्या चल रहा है ये। अब n इज इक्वल टू टू लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, और ये ऐसे, मतलब ऐसे तो तुम्हारा क्या रहेगा, ये CH मतलब ये बनेगा, ठीक है, और इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, इथाइलीन। ये हम लोग कॉमन नेम देख रहे हैं जी, कॉमन नेम। n इज इक्वल टू थ्री रहेगा तो क्या बनेगा, CH3CH, और ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या होगा इसका, बोलो बोलो, प्रोपाइलीन, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोपाइलीन, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां भी रखो या यहां रखो वो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम ले आओगे इसको CH2, ठीक है, ऐसा यदि हम लिखें, देखना क्या लिखे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये चला जाएगा CH3, तो इसका नाम होता है अल्फा ब्यूटाइलीन। पता है क्यों, क्योंकि ये बता, कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा चलता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, लेमडा, सॉरी अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, समझ में आया, किसको बताने के लिए कि डबल बॉन्ड कहाँ है, तो यदि ये इस पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे, अल्फा, पहला पोजीशन, ठीक है, यदि दूसरे पे रहता तो क्या लिखते, बीटा, एग्जांपल बताते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, अल्फा ब्यूटाइलीन। अब यदि इसी तरीके से हम ले ले, जैसे कि CH3 CH, और ये तुम्हारा CH3, और ये CH, सॉरी डबल बॉन्ड, और ये CH2, बताओ इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, ये तुम्हारा चला जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, तो क्या बन रहा, आइसो बन रहा है क्या, आइसो टाइप, आइसो नहीं बन रहा है, यहां पे देखो तो नहीं समझ में आ रहा है, आइसो बन रहा है ना, अरे भैया इसको ऐसे लिख देंगे तो समझ में आने लगेगा तुमको, आइसो थोड़ा सीधा कर देंगे तो समझ में आने लगेगा, ये क्या है तुम्हारा, तीन कार्बन का प्रोपेन, प्रोपीन है, और टोटल कितना हो गया, चार कार्बन हो गया, और क्या है, आइसो वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइलीन, टोटल चार कार्बन है ना, कॉमन नेम में हम लोग पूरा कार्बन को लिखते हैं, ठीक है, आइसो केवल इसके लिए है, तो नाम क्या हो जाएगा, बोलो, आइसो ब्यूटाइलीन, देख लो जरा सा, उसी तरीके से यदि ये रहता CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये रहता CH3, तो बताओ इसका नाम क्या लिखते हैं, बोलो क्या होगा इसका नाम, ये होगा अल्फा और ये होगा बीटा, बीटा पे है ना, हम क्या बोले कि किसी भी एक को मानो रेफरेंस, मान लेते हैं ये रेफरेंस है, तो यहां से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, तो पहला होगा अल्फा, बीटा, गामा, उसके बाद डेल्टा, अगला वाला ओमेगा, अंडरस्टूड, तो ये दूसरे पे है तो क्या होगा, बीटा, तो नाम क्या लिखेंगे, बीटा, बोलो, ब्यूटाइलीन,
ठीक है। तो ये तो कॉमन नेम थोड़ा सा बता दिए, लेकिन अपने को क्या ध्यान में रखना है, ये वाला मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, ठीक है, मिथाइ, ये इथाइलाइडीन, ये सब ध्यान में रखना है। तीन हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, अल्काइलिडाइन, ठीक है, और दो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, नहीं तो ये कॉमन नेम बता रहे हैं, अभी हाइड्रोजन निकालेंगे भी नहीं। हम क्या बोले ना कि ये मिथाइलिडीन को ही हम मिथाइलीन कहते हैं। तो फिर अपने तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। तो CnH2n जैसे ही अल्कीन का फॉर्मूला है तो n इज इक्वल टू, यदि 1 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2। तो एक कार्बन का वैलेंसी होता है 4। तो हाइड्रोजन हम अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू टेकन ओनली 2 हाइड्रोजन, सो दैट इज क्या हो जाएगा CH2, इट मींस कि 2 वैकेंट वैलेंसीज, मतलब यहां पे कार्बन जोड़ने की जरूरत नहीं है, कार्बन जोड़ने की जरूरत अभी ये मतलब अकॉर्डिंग टू दिस n इज इक्वल टू 1 एक कार्बन ही लेना है, अकॉर्डिंग टू दिस n इज इक्वल टू 1। तो हम एक कार्बन यदि लेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फॉर्मूला अपने को दो ही हाइड्रोजन पुट करना है, तो दो हाइड्रोजन पुट किए तो दो खाली हो गया ना, समझ में आया, मेरी थ्योरी ये थी कि आपने वहां से जो हाइड्रोजन निकाले ना, हाँ जो आपने उधर मिथाइलिडीन लिखा, हाँ मिथाइलिडीन लिखा, हाँ उस मिथाइलिडीन का कॉमन नेम मिथाइलिन था बराबर, हाँ इस मिथाइलिडीन को मिथाइलिन भी कहते हैं, हाँ ठीक। हम कहें कि ये मिथाइलिडीन तो आ रहा वैसे अल्काइलिडीन से, लेकिन ये मिथाइलिन कहां से आया, तब हम बताएं कि अल्कीन का कॉमन नेम अल्काइलिन होता है, समझ में आया, तो इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो यदि इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ तो n इज इक्वल टू 2 से अल्कीन चालू होता है, n इज इक्वल टू जब 2 से चालू होगा तो पहला क्या बनेगा, इथिन नॉर्मली, और उसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइलीन। तब यदि हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ऐसा ही तो फॉर्म्ड होगा, एंड दैट इज कॉल्ड मिथाइलीन, एंड दैट्स व्हाई हियर इट इज कॉल्ड मिथाइलीन। आप समझाए, ये बोल रहे थे अभी, वहां से हाइड्रोजन हम इसीलिए तो बोले कॉमन नेम है, हाइड्रोजन हटाना ही नहीं है, ठीक। यदि हाइड्रोजन हम हटाएंगे ना इसका दो, तो वो इथाइलिन ना होकर के हो जाएगा इथाइलिडीन, ये केवल यही वैलिड है और कहीं नहीं, नहीं इसको तो हमको इसको हटाना पड़ रहा है, हटा रहे हैं तब ये लिख रहे हैं, और इसका तो आएगा ही नहीं तो हटाएंगे कहां से, समझे। चलो मिटाएंगे वाला, इस साइड वाला मिटाते हैं,
चलो जी स्टार्ट हो जाओ। चलो लिखोगे बोर्ड पे नाम? कोई लिखेगा क्या बोर्ड पे आके? नहीं। चलो बताओ इसमें पेरेंट कार्बन चेन कौन सा हो जाएगा? है साइक्लो वाला ना, ये वाला होगा पेरेंट। ठीक है, क्योंकि क्या जा रहा है इसमें? ठीक है, अब बताओ तुम्हारा। अच्छा, और तीन कार्बन, और हम क्या बोले थे कि जहां मल्टीपल बॉन्ड रहा है उसको पेरेंट लेना है, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है वो इसी में सटा हुआ है। बात समझ में आया? वो अलग नहीं है, इसी के कार्बन का ही पार्ट है। देखो, यदि एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड रहता है तब फिर वो पेरेंट लेना पड़ता अपने को, तब फिर साइकिल नहीं लेते। लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है वो इसी कार्बन का पार्ट है जो कि साइकिल का भी पार्ट है। समझ में आया? इसीलिए हम लोग किसको लिए हैं? पेरेंट साइकिल को। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसका है? कार्बन का ही तो है। और ये वाला डबल बॉन्ड बाहर की तरफ भी है, और यही वाला इसी से क्या बना है? साइकिल बना है, इसीलिए साइकिल को लिए हैं। और नहीं तो ये डबल बॉन्ड कहीं यहां से हटा करके और बगल में रहता ना यहाँ, तो फिर इसको लेते। समझे? ये चीज ध्यान में रखो।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, नाम इसका क्या होगा? एक कार्बन का है तुम्हारा, एक कार्बन का क्या होगा? मिथाइलिडीन। ठीक है, तो क्या होगा? ये होगा वन वन मिथाइलिडीन, और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? वन मिथाइलिन बोल सकते हैं ना। और उसके बाद क्या होगा? साइक्लो प्रोपेन। नहीं, प्रोपेन ही होगा ना, वो तो वर्ड रूट तुम्हारा ये हो गया ना, वर्ड रूट के बाद वाला हो गया ना, वहां पे वो ब्रांचिंग में थोड़ी है, वो तो ब्रांचिंग में हम लोग लगाते हैं ना, प्रोपेनाइल प्रोपेनाइलिडीन, वो सब कब लगता है? ब्रांचिंग में, लास्ट में थोड़ी, सफिक्स में थोड़ी लगेगा, सफिक्स में तो ए नहीं, ए नहीं, वाई नहीं। चलो इसका बताओ, ये हो जाएगा ना वन, तो क्या हो जाएगा इसका? वन मिथाइलिडीन, बताओ, साइक्लोब्यूटेन, बताओ इसका नाम क्या होगा? वन मिथाइलिडीन साइक्लो, इसका नाम बताओ, बोलो, वन इथाइलिडीन है ना जी, दो कार्बन, वन इथाइलिडीन साइक्लो हेक्सेन, इसका नाम बताओ, वन इथाइलिडीन साइक्लो पेंटेन, इसका नाम बताओ, वन मिथाइलिडीन, बोलो, साइक्लो पेंटेन, इसका बताओ नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से। अरे पैरेंट चेन तो ये है ना, तो पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड देखो कि पहले ब्रांच की तरफ भागोगे। पैरेंट चेन कौन है? साइकिल, तो अब पहले तो उसका डबल बॉन्ड का ख्याल रखना पड़ेगा ना, तो उसका डबल बॉन्ड का ख्याल रखोगे और कम से कम नंबरिंग देते हुए तो क्या होगा? वन टू थ्री फोर फाइव, ये होगा ना, ये तो ब्रांच है, ये तो सेकंड प्रायोरिटी है मेरा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा बात? तो बताओ क्या हो जाएगा इसका नाम? हाँ, थ्री मिथाइलिडीन, हाँ बोलो, साइक्लो हेक्सा, कौन सा डबल बॉन्ड? हाँ तो साइक्लो हेक्सा अभी देंगे ना, साइक्लो हेक्सा आप पहले भी दे सकती हो, साइक्लो के पहले भी लिख सकते हो, 1.4 साइक्लो हेक्सीन फिर लिखना होगा। हम क्या किए? साइक्लो हेक्सा, ठीक है, और डैश कितना पे है? 1.4 डैश डाईईएनई, इसका बताओ नंबरिंग किधर से? 1 2 3 4 5, यही होगा ना, नाम बताओ क्या होगा? थ्री मिथाइलिन, मिथाइलिन ना, मिथाइलिडीन, उसके बाद क्या होगा? पेंटा डैश 1.4 डाई, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? क्या 1.4? हो जाए तो बोलो, पूरा साफ करना होगा। और उसके बाद नए पेज में लिखो प्रायोरिटी टेबल, कोई भी आधा पेज होगा तो उसको हटा देना, क्योंकि एक पूरे पेज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है? प्रायोरिटी टेबल, ये हो गया, पूरा साफ करें।
ठीक है, अब कॉलम बनाओ तुम कि लिखे प्रायोरिटी टेबल, हेडिंग डाले, अब लिखो सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद तुम लिखो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसके बाद आ जाओ और स्पेशल सफिक्स लिखना, 2 डिग्री सफिक्स की बात हो रही है, ठीक है, ये मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप वाला नेमिंग करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप वाला नेमिंग जानने से पहले उसका प्रायोरिटी ऑर्डर जानना पड़ेगा कि दो फंक्शनल ग्रुप है तो हम सीनियर किसको मानेंगे, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स भी तो अपने को लिखना है ना, जो ओइक एसिड बता रहे थे ना, एल्कोहल के लिए ओइल लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए एल लिखते हैं, तो उसमें सबसे सीनियर किसको मानेंगे, बात समझ में आया, उसके बाद किसको मानेंगे, उसके बाद किसको मानेंगे, तो दैट इज प्रायोरिटी टेबल। और ये उसी सीक्वेंस में याद रखना है जिस सीक्वेंस में हम लिखवा रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारा मैच खाएगा जो पहले फंक्शनल ग्रुप लिखवाए हैं ना, वही वाला है, सेम चीज है, बस हम ये भी यहाँ पे बताएंगे कि उसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा और स्पेशल सफिक्स, ये बाद में बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो फिलहाल अभी ध्यान में रखना कि प्रीफिक्स और सफिक्स तुम्हारा क्या रहेगा वो चीज, और फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो सबसे पहले लिखना सीरियल नंबर 1 में आ रहा है तुम्हारा C=OH, ठीक है, 2 में SO3H, 3 में देख लो उसी तरीके से जा रहा है ना, ठीक है, इसका प्रीफिक्स जो लगता है वो लगता है ओइक एसिड, क्या लिखते हैं ओइक एसिड, इसका लिखते सॉरी प्रीफिक्स नहीं सफिक्स बोल रहे हैं, इसका प्रीफिक्स लगता है कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी, और इसका लगता है सल्फो, ठीक, इसका कोई भी प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं होता है, इसका लगता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ये वाला ग्रुप देखो याद है ईथर के लिए पढ़ रहे थे तो इसको क्या बोलते थे, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन कहते थे, याद आ रहा है, तो इसको इसका जो प्रीफिक्स लगता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसके लिए देखो ये वाला हेलो ग्रुप है ना, ठीक है, हेलो कार्बोनिल, ये वाला पार्ट कार्बोनिल हो गया, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड याद है, एल्डिहाइड कीटोन कहते थे ना एक साथ, एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ करने के लिए क्या बोलते थे, कार्बोनिल कंपाउंड, और C=O को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, तो नाम क्या हो जाएगा, हेलो कार्बोनिल, और कार्बोनिल की जगह हम लोग लिख सकते हैं फॉर्माइल, ठीक है, फॉर्माइल भी लिखा जा सकता है, और इसको कहते हैं अमीडो, इसका प्रीफिक्स लिखते हैं अमीडो, या फिर लिख सकते हैं कार्बोमोइल, कार्बोमोइल, CN का लिखते हैं साइनो, ठीक है, और इसका लिखते हैं आइसो साइनो, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है इसका, ओइक एसिड, इसका हो जाता है सल्फोनिक एसिड,
इसका होता है एसिड एनहाइड्राइड या ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका होता है एक इस्टर, है ना, एक, ठीक है। और ये हो जाएगा ऑयल ओलाइल हैलाइड, ठीक है। एमीडो का हो जाता है एमाइड, साइनो का तुम्हारा होता है नाइट्राइल, ठीक है। और आइसोसाइनाइड का होता है आइसो नाइट्राइल। ये देखो सुपर सफिक्स बाद में बताएंगे, कॉलम छोड़ करके रखना है। एट हो गया, और ध्यान में रखना कि ये दोनों एसिडिक ग्रुप है, एसिड है, ठीक है। और ये चारों को जो है ना लाइन से एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है, अभी से याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है। एसिड डेरिवेटिव कौन होता है, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, ईस्टर, एसिड हैलाइड और क्या बोलते हैं इसको, एमाइड। अभी फंक्शनल ग्रुप तो याद है ना कि किसको क्या बोलते हैं, तो ये चारों जो है ना वो एसिड डेरिवेटिव कहलाते हैं, मतलब एसिड एसिड से मिलकर के बनते हैं, याद है। बताओ एनहाइड्राइड में दो एसिड से पानी निकाले थे, ईस्टर बनाते वक्त एक एसिड और एक अल्कोहल से पानी निकाले थे, याद आ रहा है। तो ये सारे जो बनते हैं वो एसिड, मतलब एसिड के ही डेरिवेटिव हैं, एसिड से ही बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर, ठीक है, मिटा दे सब। और ये तुम्हारा साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये याद रखना है इसे। तो पहला क्या है, दो एसिड, उसके बाद चार क्या है, एसिड डेरिवेटिव, और उसके बाद दो क्या है, साइनाइड आइसोसाइनाइड। सीक्वेंस समझ में आ रहा है तो याद रखने का। अब डेरिवेटिव में भी पैसे, पहले एनहाइड्राइड, दूसरा क्या हो जाएगा ईस्टर, तीसरा क्या हो जाएगा एसिड हैलाइड, और चौथा क्या हो जाएगा एमाइड, ठीक है। मिटा दे ये वाला, मिटा एक साइड मिटा है, हाँ? भी मिटा दे। एट तक हो गया ना, नाइन में है तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, याद आ रहा है कुछ। प्रीफिक्स इसका लिखते हैं एल्डो या फॉर्माइल, एल्डिहाइड है ना, इसका प्रीफिक्स लिखते हैं हम लोग ऑक्सो या कीटो, इसका लिखते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार आता है हाइड्रोक्सी। इसका लिखते हैं मरकैप्टो, ठीक है, और इसका लिखते हैं एमिनो। अब याद है लिखवाते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, बताए थे ना, तो वो हम उसी समय बताएंगे कि अलग अलग में क्या होगा, अभी बस याद रखना एमिनो होगा। उसके बाद इसका जो सफिक्स है वो इसका क्या हो जाएगा, ए एल, एल्डिहाइड है, इसका क्या हो जाएगा बोलो, ओ एन ई, इसका क्या होगा ए एल, सॉरी एल्कोहल है ना, ओ एल, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा थायोल, ठीक है, और फिर इसका क्या हो जाएगा एमाइन,
ये इसका क्या होगा, सफिक्स होगा। तो पहला दो बताओ क्या था, एसिड था ना, दूसरा क्या था, चार में उसके बाद चार थे वो क्या थे, एसिड डेरिवेटिव, उसके बाद क्या था, साइनाइड आइसोसाइनाइड। अब उसी तरह कपल करो इसको दो दो में, ये दोनों क्या हो गए, कार्बोनिल कंपाउंड है ना, याद है, अरे बताए थे एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ बोलना रहा तो क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद ये आओ एल्कोहल, थायो एल्कोहल, याद आया, और ये तुम्हारा क्या है, एमाइन वाला, याद रहेगा ऐसे करके। तो पहला में क्या है बोलो, दो कौन है, एसिड डेरिवेटिव, चार कौन है, एसिड डेरिवेटिव, पहला दो है एसिड, दूसरा चार है एसिड डेरिवेटिव, उसके बाद क्या है, साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर दो में कौन है, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, फिर दो में कौन है, एल्कोहल थायो एल्कोहल, और फिर आखिरी कौन है, एमाइन, दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो सब तो याद हो जाएगा, ऐसे ही याद हुआ, ओवरऑल कुछ क्लियरिटी आया, और इसको उसी सीक्वेंस में याद रखना है प्रीफिक्स के साथ सफिक्स भी। इसका क्या लगता है, बहुत ज्यादा, कम से कम इसका तो सीक्वेंस याद रखो, प्रीफिक्स सफिक्स धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार तो ओवरऑल पढ़ना ही पड़ेगा ना कि क्या सफिक्स और क्या प्रीफिक्स आ रहा है, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। स्पेशल सफिक्स बात तो बताएंगे अभी नहीं, स्पेशल सफिक्स सब लगता है जब सीनियरिटी वही है, सीनियरिटी सब सीनियर वही है, मान लो सीनियर तुम्हारा ये है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारा ये पैरेंट चेन में नहीं आया, तब उसके बाद उसके लिए स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल होता है, तो वो बाद में बताएंगे वैसा कैसे दबाएगा। प्रीफिक्स